हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर लेके आए हैं और इस लेक्चर का नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। यस हाँ, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो आज हम मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि बेसिकली जो रेजोनेंस होता है उसी का ही दूसरा पार्ट होता है रेजोनेंस, उसी की तरह ही प्रोसीड होता है, हल्का माइनर सा डिफरेंस होता है, वो आज हम इस वीडियो में सीख लेंगे। इससे पहले हमने रेजोनेंस इफेक्ट को कवर किया था। जो भी यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट है, तो सबसे पहले उन्हीं से ये रिक्वेस्ट है कि पहले हमारा जो रेजोनेंस है तो उनको देखिएगा, रेजोनेंस इफेक्ट की जो प्रीवियस वीडियो है उनको देखिएगा, उसके बाद में आप मेसोमेरिक इफेक्ट को कवर करें। तो जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम हॉल के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अपने उन्हीं पर ही करेंगे। थ्योरेटिकली के अंदर क्या होते हैं कि जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जितना भी ऑर्गेनिक में थ्योरेटिकल पार्ट होता है, उनके अंदर तो क्या होता है कि सभी स्टूडेंट बेस्ट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको। तो प्रॉब्लम जो आती है वो आती है मेन क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस किस तरह से अपने उनको अप्रोच करते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, तो मोस्टली उसी के अंदर ही प्रॉब्लम आती है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जितना भी वेरिएशंस मतलब कि क्वेश्चंस के अंदर डेवलप कर सकते हैं, वो सारे के सारे वेरिएशंस आप हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इसका हल्का सा इंट्रो ले लेते हैं, देन अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या जिस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, एग्जाम्पल से ही समझते हैं सबसे पहले तो इस मेसोमेरिक इफेक्ट को। CH2 डबल बॉन्ड CH OH। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NO2 लीजिएगा। ये दो एग्जाम्पल हैं, इन दोनों एग्जाम्पल से हम मेसोमेरिक इफेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोनेंस इसमें देखिएगा। अब आप बोलोगे कि सर इसमें रेजोनेंस तो हो रहा है, इसमें भी अच्छे से रेजोनेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपको मैंने पढ़ाया हुआ है रेजोनेंस के अंदर लोन पेयर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे, देन उसके बाद में फिर से डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड। आपको मैंने ये बताया था कि रेजोनेंस के अंदर क्या होता है कि कॉन्जुगेशन होता है। रेजोनेंस को अच्छे से अपने आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये चीज देख लीजिएगा कि कॉन्जुगेशन है या नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन आपको दिख रहा है तो इसका मतलब रेजोनेंस है उसमें। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर मेसोमेरिक इफेक्ट फिर क्या होता है, उसी पे भी चलेंगे। सबसे पहले तो आप इतनी कहानी समझिएगा कि जो रेजोनेंस होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इन दोनों में से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को लेगा, ओके, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे अपने कॉन्जुगेशन इसमें बनता जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी अपने को रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, मतलब कि दोनों एग्जाम्पल के अंदर रेजोनेंस तो है। अब चलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट पे। तो मेसोमेरिक का मतलब ये होता है कि अगर रेजोनेंस के साथ साथ अगर आपके पास ऐसा कोई एटम या कोई भी ग्रुप हो जो कि इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सके, विड्रॉ कर सके या फिर डोनेट कर सके, तो ऐसे जो ग्रुप लगे हुए होते हैं उनको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे कि यहां पे OH है, OH का फंक्शन क्या होता है, अपने जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है, रिलीज करता है, डोनेट करता है ये, ओके, वाया रेजोनेंस। ये जरूरी है कंडीशन, किसके थ्रू करता है, रेजोनेंस के थ्रू करता है। इसमें भी देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट शो हुआ।
आई बात समझ में। एक बार मैं फिर से यहां पे रिपीट कर देना चाहता हूं कि जो मेजरमेरिक इफेक्ट होता है उनमें क्या होते हैं कि ऐसे एटम या ऐसे कोई ग्रुप साथ में अटैच होते हैं कार्बन रिंग के साथ, जो कि इलेक्ट्रॉनों को या तो विड्रॉ कर सकते हैं या कि इलेक्ट्रॉनों को इजिली डोनेट कर सकते हैं। उनको बोलते हैं अपने वाया रेजोनेंस के थ्रू, उनको बोलते हैं हम मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं इनमें रेजोनेंस किस प्रकार से प्रोसीड हो रहा है। ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा या शिफ्ट करेगा, इसमें कुछ इस प्रकार से और इसमें कुछ इस प्रकार से। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से इसमें रेजोनेंस चलेगा। और यहां पे आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा कुछ इस प्रकार से, रेजोनेंस इसमें प्रोसीड होगा। ओके, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस। मतलब देखो, अगर आपको मेसोमेरिक इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए पहली जो कंडीशन है वो है रेजोनेंस की, उसमें रेजोनेंस होगा तभी यहां पे मेसोमेरिक जो इफेक्ट है वो पॉसिबल है। अब यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। जब कोई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर विड्रॉ करेगा थ्रू किसके, रेजोनेंस के थ्रू, तो ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। लीजिएगा, यहां तक पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। आई होप आपको इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ओके स्टूडेंट, यहां तक क्लियर, किसको प्लस एम बोलते हैं और किसको माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं, यहां तक क्लियर? ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जितने भी रेजोनेंस होते हैं क्या उनमें मेसोमेरिक इफेक्ट पॉसिबल है। मैं फिर से यहां पे रिपीट कर देना चाहता हूं कि जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स बनती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है जितनी भी, क्या उन सभी के अंदर क्या मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकता है सभी में। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, सोचिएगा सोचिएगा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जितने भी मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं क्या उन सभी में रेजोनेंस पॉसिबल है। जितने भी मेसोमेरिक इफेक्ट, जैसे कि इनमें भी हो रहा है, इनमें भी हो रहा है, ठीक है, जितने भी मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं क्या उनके अंदर रेजोनेंस हो सकता है। ये दो क्वेश्चन है, सोचिएगा इन दोनों को, तब तक अपने आगे चलते हैं। एक पॉइंट और है यहां पे, जो भी मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, जो भी मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो कार्बन टू कार्बन कभी भी नहीं होता है। कैसे, ये लीजिएगा, जैसे कि ये है
कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू कार्बन, ऐसी कोई स्ट्रक्चर है हमारे पास में। ओके, तो क्या इसके अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है, तो सोचिएगा सबसे पहले, तो फिर आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर अभी देता हूं मैं। आई होप आपने काफी प्रैक्टिस की होगी, मतलब कि पढ़ा होगा पहले कहीं ना कहीं से, तो पढ़ा होगा ना। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ाओ तो इसका आंसर मैं दे देता हूं। तो देखिएगा, कार्बन टू कार्बन यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। देखिएगा किस प्रकार से रेजोनेंस हो रहा है, कुछ इस प्रकार से कर सकते हो, नहीं तो आप इस प्रकार से भी यहां पे प्रोसीड कर सकते हो, डोंट वरी। यहां पे क्या हो रहा है कि कार्बन टू कार्बन रेजोनेंस हो रहा है, बहुत अच्छे से रेजोनेंस हो रहा है, प्योर रेजोनेंस यहां पे प्रोसीड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस वाले एग्जांपल में। बट यहां पे कोई भी ऐसा एटम या ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ जो कि इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सके, विड्रॉ कर सके या इलेक्ट्रॉनों को रिलीज या डोनेट कर सके, कोई भी एटम या ग्रुप नहीं लगा हुआ ना, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये केवल रेजोनेंस ही शो करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। आपको मैंने ये कंडीशन बता दी है मेसोमेरिक की क्या होती है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। इससे पहले मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे, पहला क्वेश्चन ये था कि जितने भी स्ट्रक्चर्स होती है रेजोनेंस की, क्या उन सभी में मेसोमेरिक इफेक्ट पॉसिबल है। सेकंड क्वेश्चन, जितनी भी मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स होती है क्या उन सभी के अंदर क्या रेजोनेंस पॉसिबल है। जी हां, जितनी भी मेसोमेरिक इफेक्ट अभी हमने देखा, सपोज दैट कि CH2CHCH ये लीजिएगा। ओके, इस वाले एग्जांपल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिएगा क्या इसमें रेजोनेंस है। जी हाँ, इसमें रेजोनेंस है, बहुत अच्छी सी इसमें रेजोनेंस है। ओके, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप भी अटैच है, इसलिए ये मेसोमेरिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। अब मेरा ये क्वेश्चन था, जितने भी मेसोमेरिक कंपाउंड होते हैं क्या उनमें सभी के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है। जी हाँ, जितने भी मेसोमेरिक, ये कैसा कंपाउंड है, मेसोमेरिक कंपाउंड है। ओके, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी जुड़ा हुआ होता तब भी ये कैसा कहलाता, मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता। अभी हमने एग्जांपल देखे ना, ठीक है, देखिएगा। अब आपसे ये क्वेश्चन मैंने पूछ किया था कि अगर मेसोमेरिक, कोई भी मेसोमेरिक कंपाउंड है क्या उन सब में रेजोनेंस पॉसिबल है, कोई भी मेसोमेरिक कंपाउंड उठा लो। अरे यार, उन सब में रेजोनेंस तो पॉसिबल होगा ही होगा, अगर रेजोनेंस ही नहीं होगा तो उसमें मेसोमेरी कहां से होगा। जनरल सी बात है, रेजोनेंस है तभी तो मेसोमेरिक इफेक्ट कहला रहा है, ठीक है ना। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जितने भी मेसोमेरिक कंपाउंड या जितने भी मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सब के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल होता है। बट जितनी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे कि ये वाली है प्योर रेजोनेंस, उन सब के अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। आई बात समझ में, यहां पे इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकता, तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन टू कार्बन कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। आई होप आपको यहां तक ये जितने भी तीन जो आपको क्वेश्चन अभी पुट किए थे क्लियर हुए होंगे अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। अभी हमने देखा कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो टू टाइप का होता है, हम बोल सकते हैं टू टाइप में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमने देखा अभी प्लस एम, और दूसरा हमने देखा माइनस एम इफेक्ट। ओके, प्लस एम यहां पे कौन कौन से होते हैं, पहले तो अपने वो वाले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे माइनस एम वाले एग्जाम्पल। देखिएगा प्लस एम, कोई ऐसा एग्जांपल उठाते हैं जिसके अंदर क्या है प्लस एम इफेक्ट शो हो। यहां पे है एक्स, एक्स का मतलब क्या है, ये हेलोजन्स,
कोई भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है यहाँ पे। ओके, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लस एम इफेक्ट की बात, ठीक है। सेकेंड देखिएगा एग्जाम्पल इसी का, प्लस एम का, ये लीजिएगा। साथ साथ में समझते जाइएगा क्या इन सब के अंदर प्लस एम इफेक्ट शो होगा या नहीं होगा। आपको मैंने अच्छे से बता दिया यहाँ पे इसका जो इंट्रोडक्शन है आपको मैंने दे दिया अभी, प्लस एम इफेक्ट के बारे में या माइनस एम इफेक्ट के बारे में कौन कौन शो कर सकते हैं। तो आप जो जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा रहा हूं तो उसके नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ ये वाला प्लस एम दे रहा है, ये भी वाला प्लस एम दे रहा है, ये वाला प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। माइनस एम भी हो सकता है, ये नहीं है कि अगर मैं प्लस एम यहाँ पे हेडिंग लिखवा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी यहाँ पे एग्जांपल आपको मैं प्लस एम इफेक्ट दे दूं। ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इनको आइडेंटिफाई करने की, क्या प्लस एम है या माइनस एम है। ओके, ये लीजिएगा। इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल को पहले तो आप ध्यान से देखिएगा और इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कौन प्लस एम और कौन माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, कीजिएगा। चलिएगा, फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए हैं, उनको टाइम लग रहा है तो लगने दो, स्टार्टिंग में टाइम जितना लगता है लगने दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एग्जाम हॉल के अंदर किसी भी स्टूडेंट को एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करनी है अभी से कर लो। ओके, तो चलिएगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट ने अगर इनको सोल्व नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके देख सकता है, तब तक मैं इसका आंसर बता देता हूं। तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं उन सबके अंदर आपको लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, सबके अंदर लोन पेयर है, हैलोजन्स, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर, सबके अंदर क्या है लोन पेयर है। ओके, तो यहाँ पे एक ट्रिक है, यहां बोल सकते हैं इसको याद करने के लिए, नहीं तो एक प्रकार का ये कॉन्सेप्ट ही है कि क्या है कि जहां पर भी आपको लोन पेयर या कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज दिखाई दे, मैं फिर से यहां पे रिपीट कर रहा हूं, कोई भी रिंग के साथ में अगर डायरेक्टली अटैच कोई भी लोन पेयर या कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आपको दिखाई दे तो वो करेगी क्या, अपने जो इलेक्ट्रॉन होगी वो क्या करेगी, रिलीज करेगी, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगी वो। तो जितनी भी स्पीशीज क्या है लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज वाली है इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, रिलीज करेगी, तो उन सब के अंदर प्लस एम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जितने भी एग्जांपल हैं ये सारे के सारे क्या हैं, प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कर रहा है ये प्लस एम इफेक्ट शो। यहाँ पे क्या है लोन पेयर, तो अपने लोन पेयर क्या करेगा ये रिलीज करेगा, ओके, इस वाले कार्बन को रिलीज करेगा और रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करेगा यहाँ पे रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं यहां पे रिलीज हो रहे हैं सबके अंदर, ये लीजिएगा, सबके अंदर सेम प्रोसेस चलेगा। तो ये सभी के सभी जो एग्जांपल हैं किसके हैं प्लस एन इफेक्ट के हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्लस एम इफेक्ट के बारे में जितने भी लोन पेयर हो और नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज होती है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज
आर शो प्लस एन इफेक्ट। ठीक है, सभी के सभी बोल सकते हैं कि ऑल लोअर पेयर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है वो शो करती है प्लस एन इफेक्ट को। क्यों करेगी? आपको मैंने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर करवा दिया है कि इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा ये। अगर ये इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा तो क्या होगा, प्लस एन इफेक्ट शो करेगा। ओके, सेम ही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, बस इस बार क्या है कि रिंग के अंदर ये स्ट्रक्चर्स दे दी गई है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। एग्जाम्पल के अंदर आपको ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो कि आपने कभी भी देखी नहीं है। ओके, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है, सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस ये है कि अगर आपकी प्रैक्टिस की हुई होती है तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती एग्जाम हॉल के अंदर। आई होप यहां तक आप समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं अच्छे से। माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, इसके अंदर भी मैं मिक्सिंग कर सकता हूं, प्लस एम का भी यहां पे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, बस ये कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। NH2 लीजिएगा। ये चार एग्जांपल है आपके सामने और इन चारों एग्जांपल के अंदर आप अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिएगा कि यहां पे कौन कौन सा जो है जो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है और कौन माइनस एम इफेक्ट यहां पे शो कर रहा है। ओके, वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो चलिए तब तक मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, रट्टा फिकेशन मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा जो कि आपको मैंने अभी बताया है। तो सबसे पहले तो क्या है कि आपसे मैंने पूछा क्या कि इनमें से माइनस एम इफेक्ट बताइएगा कि कौन कौन सा है। तो माइनस एम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, माइनस एम इफेक्ट का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉइंग, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो टेंडेंसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस एम इफेक्ट शो करता है। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब यहां पे इन जितने भी यहां पे ये जो स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं इनमें आप देखिएगा, अच्छे से देखिएगा इनको कि कौन कौन ऐसे कंपाउंड है यहां पे जो कि इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहे हो, डोनेट नहीं विड्रॉ कर रहे हो, वो सबके सब कैसे होंगे, माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। इस वाले एग्जांपल को लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये वाला एग्जांपल आपको मैंने बताया था, बस उसके अंदर क्या था, कार्बन की रिंग थी, अपने कार्बन की जो स्ट्रक्चर ली थी यहां पे क्या है, रिंग फॉर्म में इसको ले लिया है। ठीक है, तो क्या है कि कंफ्यूज करने के लिए कैसे भी यहां पे स्ट्रक्चर बनाई हुई हो सकती है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहां पे। क्यों नहीं होना, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है। तो आपको मैंने ये बताया था इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है इस नाइट्रोजन के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, खींचेगी। ओके, इस प्रकार से रेजोनेंस चलेगा इसमें वाया, ये देखिएगा इस प्रकार से इसमें चलेगा, चलेगा इनमें रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा। तीनों के तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, माइनस एम इफेक्ट, बताइएगा। यहां तक क्लियर? अब इस वाले एग्जाम्पल में देखिएगा, नाइट्रोजन्स, क्या आप ये भी यहां पे चेक कर सकते हैं किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी कम है। तो यहां पे क्या है, ये जो लोन पेयर होंगे वो क्या करेंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यहां पे। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एन इफेक्ट यहां पे
शो करेगा। बताइएगा यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट इन एग्जांपल के अंदर? नहीं, ठीक है। चलिएगा स्टूडेंट, अब हम यहां पे बात कर लेते हैं माइनस एम इफेक्ट के रेजोनेंस फैक्टर की। इससे पहले प्लस एम इफेक्ट के अंदर जितने भी एग्जांपल्स आपको मैंने करवाए थे 7-8, उन सब के अंदर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। सेकंड, किस किस पोजीशंस पे, पोजीशंस किस किस पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा हो रही है, वो भी चीज आप मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए माइनस एम इफेक्ट यहां पे देख लेते हैं। ये वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं नाइट्रो कंपाउंड का। यहां पे क्या होगा, आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है कंपैरिजन किसके, नाइट्रोजन के। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ये एसिडिटी से लेगा। यहां तक समझ में आया? फिर से क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, यहां पे अपने जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव की ओर शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव जो चार्ज है उसको न्यूट्रल करने के लिए। ये लीजिएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करनी आनी चाहिए इस अपने, यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, और तो भी सबसे ज्यादा होगी मेटापी होगी पेरापी होगी। अगर यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने गलत ड्रॉ कर दी तो आपका आंसर गलत आएगा। यहां पे देख लीजिएगा इसकी स्ट्रक्चर जो है, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज रहेगा, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पे मतलब कि न्यूट्रल करके यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट करेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहां पे डबल बॉन्ड बना देगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव अगर चार्ज आएगा तो इसको न्यूट्रल करने के लिए ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करेंगे कुछ इस प्रकार से। ओके, तो यहां पे ये सेम एज इट इज, कुछ इस प्रकार से इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है बनती है। ओके, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं माइनस एम इफेक्ट के बारे में। क्या बताया था, माइनस एम इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी थी, मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। अरे विड्रॉ ही तो कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को खींच ही तो रहा है, कहां से, रिंग से, इलेक्ट्रॉन रिंग से निकल निकल के बाहर जा रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो रही है, घट रही है, रिंग से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कंपाउंड अनस्टेबल होने को जा रहा है। ओके, तो क्या हो रहे हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है धीरे धीरे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम होगी ना, यहाँ पे कहां कहां पे सबसे कम हो रही है, किस पोजिशन पे। अगर यहां से अगर आप बात करें इस पोजिशन से, तो ये ऑर्थो पोजिशन, मेटा ये पैरा होती है, ये ऑर्थो मेटा, दो ऑर्थो दो मेटा पोजिशन एक पैरा होती है। तो यहां पे देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पे और ऑर्थो पोजिशन पे। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑर्थो और जो पैरा पोजिशन होती है इन दोनों पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या है, सबसे कम हो रही है। आई होप आपको इस वाले एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अभी एक क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चंस में
अभी तक हमने जो भी पढ़ा है प्लस एन इफेक्ट के बारे में, माइनस एन इफेक्ट के बारे में अच्छे से रिकवर हो जाएगी वो चीज। एक क्वेश्चन लिखे गए यहाँ पे और इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे आप, कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, चाहे उसको 2 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 5 मिनट भी लगे, सोच के अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा तो एग्जाम हॉल के अंदर उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। ये लीजिएगा, आपको यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता देना है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां पे देख लीजिएगा ऑप्शन क्या क्या है, पहला है फिनोल का है OH, साइनाइड, ये वाला लीजिएगा। सपोज दैट की ये ए है कंपाउंड, बी एंड सी, ओके। आपको यहां पे अरेंज सबसे पहले क्या होता है कि क्वेश्चंस को काटने से पहले, मतलब कि अगर क्या होते हैं कि एग्जाम हॉल के अंदर मतलब कि फटाफट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और इसपे चले जाते हैं, ऑप्शंस पे चले जाते हैं और फिर क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट तुक्के मारने की कोशिश करते हैं कि हाँ ऐसे हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होते हैं कि क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ते ही नहीं है, पहली बात तो कि पूछ क्या रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है क्वेश्चंस को सबसे पहले तो है कि अच्छे से रीड करना आना चाहिए, ओके, उसके बाद में जो ऑप्शंस दिए हुए फिर उस पे शुरुआत, कोई दिक्कत नहीं है, 50 सेकंड जितने भी आप ले सकते हो उतने लो, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड जितने भी क्वेश्चंस पढ़ने में लग रहे आराम से उस क्वेश्चंस को पढ़ें, जल्दी जल्दी में कभी भी मत पढ़ें। अब देखिए यहाँ पे अपने से पूछ क्या रहा है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के अंदर आपको ऑर्डर डिसाइड करना है अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां पे सबसे कम रहेगी आपको उसी सीक्वेंस के अंदर बताना होगा। तो आपको मैंने यहां पे बता रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कहां कहां पे कम रहेगी, तो देखिएगा आपको मैंने बताया कि जो लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहां पे ये प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, शो कर रहा है प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यहां पे देखिएगा साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन में से इस नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो शो करेगा। इसका मतलब माइनस एन इफेक्ट यहां पे शो होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं रिंग से, यहां पे माइनस एम इफेक्ट, यहां पे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट यहां पे काम नहीं कर रहा, कोई भी यहां पे ग्रुप नहीं है, ना ही तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और ना ही यहां पे विड्रॉइंग ग्रुप यहां पे काम कर रहा है, ओके। चलिएगा अब अपने क्या करते हैं, इसका ऑर्डर डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, किसका ज्यादा होगा और किसका कम रहेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कहां पे ज्यादा हो रही है, ऑब्वियसली बात है प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस एम इफेक्ट की वजह से घटेगी सबसे ज्यादा, और ये तो न्यूट्रल है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, सबसे लिस्ट में रखो इसको तो। अरे यार इस पर कोई ग्रुप ही नहीं है ना, कंपेरिजन तो इन दोनों के बीच में होगा, पहले तो ये तो सबसे लिस्ट चला गया, तो अब यहां पे क्या हो गया, एक ही जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है कंपेरिजन किसके, बी के। आई होप ये वाला जो एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
ओके स्टूडेंट्स, चलेगा स्टूडेंट्स। अब हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होते हैं कि कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं, उनको भी अच्छे से याद होना चाहिए। फ्लोरीन और क्लोरीन, ओके, फ्लोरीन और क्लोरीन एक्सेप्शन यहां पे क्या होते हैं वो देखिएगा। फ्लोरीन क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर होते हैं तो इजीली ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लगता है प्लस एम इफेक्ट। कैसा लगता है, प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा। ओके, यहां तक समझ में आया। और साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है कि माइनस आई इफेक्ट भी काम करता है, बट यहाँ पे क्या होते हैं कि जो प्लस एम इफेक्ट होते हैं वो इतना डोमिनेट नहीं होता जितना माइनस आई इफेक्ट होता है। इन दोनों एग्जांपल के अंदर भी जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज्यादा डोमिनेट होता है। अब अगर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएंगे ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग, ये जो टेंडेंसिटी होती है इसकी फ्लोरिन की, वो ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस हो जाएगी। इतना आपको समझना है। यहाँ पे एक ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट में फ्लोरिन और क्लोरिन ये वाले जो हैलोजन होते हैं यहाँ पे जो डोमिनेट फैक्टर होता है वो होता है माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे माइनस आई की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिएगा अब एक एक अपने क्वेश्चंस ले लेते हैं और अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। चलिएगा क्वेश्चंस यहाँ पे ये है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, ये लीजिएगा ऑप्शन है आपके सामने। यहां पे ए जो ऑप्शन है यहां पे फिनोल का CL CH3 है यहां पे, और जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास में NO2, ये लीजिएगा NO2। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस है आपके सामने, चार ऑप्शन आपको गिवन है और इन चार ऑप्शन में से आपको पहले तो ये बताना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में सबसे ज्यादा होगी। तो जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया है उसी के बेस पे आप चलेंगे। ओके, तो यहां पे देखिएगा फिनोल यानी कि OH इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट काम करेगा और माइनस आई इफेक्ट भी यहाँ पे काम कर रहा है, बट यहाँ पे जो डोमिनेट कौन होगा, प्लस एम इफेक्ट। ओके, सीएल भी क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट भी काम करता है और माइनस आई इफेक्ट भी यहाँ पे काम करेगा, बट डोमिनेंट फैक्टर यहाँ पे कौन होता है, माइनस आई इफेक्ट जो है यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर की तरह काम करेगा। इसके बाद में जो CH3 होता है तो CH3 क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब की प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे काम करता है, और ये सिर्फ प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा CH3। आप देख सकते हैं वीडियो नंबर फर्स्ट के अंदर यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज है CH3 की, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे काम करेगा। NO2 के अंदर क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसिटी होती है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट काम करेगा। यहां तक समझ में आ गया। इतना करने के बाद अब आपने इजीली बता सकते हैं किसकी इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है ज्यादा है और किसकी यहां पे सबसे कम है।
किसकी सबसे कम है। अब देखिए यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगी, इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी प्लस एम इफेक्ट की वजह से, मतलब ए इज ग्रेटर देन, ए की सबसे ज्यादा रहेगी। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। माइनस आई का मतलब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे रिंग से, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, मतलब कि प्लस आई का मतलब क्या होता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को मतलब कि रिंग के अंदर क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ए के बाद में आएगा सी। अब बस ये हमारे पास में बी और डी। माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है सबसे ज्यादा कम यहाँ पे रहेगी, मतलब कि ये जो कंपाउंड हो गया वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया कंपैरिजन किसके, माइनस आई इफेक्ट के। अरे एक बात बताओ, जो अगर प्लस एम इफेक्ट होता तो क्या होता, प्लस एम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, रिंग की बढ़ जाती है, तो माइनस एम का मतलब क्या होता है कि सबसे कम, वाइस वर्सा इसका सोचिएगा, माइनस एम क्या होता है सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपाउंड की सबसे कम रहेगी यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, माइनस जो आई इफेक्ट होता है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर है, इसका मतलब जो बी होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, डी के। माइनस एम की वजह से ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, सबसे लिस्ट में तो ये जाएगा। ओके, ये वाला हो गया। अब कुछ और एग्जांपल बचे हैं, उनको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए जितने भी इक्वेशंस हैं उनको अपने करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी समझ में आया तो वो हमारे कॉमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब के लिए जय हिंद।